भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक दुबे जी हमारे साथ है, जो बात करेंगे पार्टी की उन सिद्धांतों पे, या कह लीजिए कि राजनीतिक में बदलाव करने के लिए नागरिक जनता पार्टी जो अभी जल्द ही आई है और पूरे लखनऊ में छा रही है, धीरे धीरे पूरे प्रदेश में पार्टी फैल रही है। आज ही कुछ लोगों का गठन हुआ है अनेक पदों पर, कुछ समाजवादी पार्टी से आए हुए, कुछ बसपा से आए, जो मुझे जानकारी मिली है। आलोक जी ये बताइए, पार्टी के उद्देश्य जो है आपकी, क्या उन राजनीतिक पार्टियों से हट करके होंगे या फिर उन्हीं की तरीके से आप चलेंगे? देखिए, हमारा एक स्पष्ट कहना है कि नागरिक एकता पार्टी का गठन हुआ है सारे मजहब के लोगों को, दबे कुचले लोगों को, उत्पीड़ित लोगों को हमें न्याय दिलाना है, उनका खून नहीं चूसना है। आज की तारीख में आप जब इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो देखेंगे सपा बसपा ने क्या किया है। बसपा किसी को टिकट नहीं देती है, किसी दलित को टिकट नहीं देती है, टिकट बेचती है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में चचा भतीजे लड़ रहे हैं, वो आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में नागरिक एकता पार्टी इस तरीके से मैदान में उतरी है कि सारी राजनीतिक पार्टियों की नींदें उड़ी हुई हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनकी एक खोज ने अमेरिका को दहला दिया था, हमने उनका कल जन्म दिवस मनाया। बड़े शर्म की बात है कि शासन प्रशासन ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन नगर आयुक्त ने उनके पोस्टर, तस्वीरें, झंडे, बैनर नुचवा दिए। ये सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष के कुछ दलों की भी चाल है। जो क्राइम हो रहा है प्रदेश में, ये जो सरकार सत्ता में है ये नहीं, ये विपक्षी दलों और सत्ता में नूरा कुश्ती हो रही है। लेकिन इनको नहीं मालूम है कि नागरिक एकता पार्टी ने धीरे धीरे पूरे प्रदेश में जड़ें बिठा ली हैं। हमने एक ऐसे युवा तेज तर्रार, युवाओं की आप बात कर रहे हैं, युवा पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है, युवा ये देश में बेरोजगार है। अब इन बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप युवा युवा हर कोई कहता है, लेकिन इनके दर्द जो है दुख कोई समझता नहीं है। पार्टी आपकी कितनी गंभीर होगी युवाओं को लेकर के? देखिए, युवाओं के लिए ये है कि सरकारी विभाग में जो नौकरियां निकलती हैं उनको एन के एन प्रकार से कोर्ट की शरण में जाकर के रोक दिया जाता है। बहुत रिक्तियां हैं, उनको भरना होगा। बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए बैंक से पैसा दिलाना होगा। इस समय बैंकों की हालत जर्जर है, उस पर लगाम लगाना होगा। किसान बेतहाशा परेशान है, किसान पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और जब बच्चे बेरोजगार रहते हैं तो उसकी स्थिति क्या होगी। इस पर कभी भी राजनीतिक पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया। हम एक किसान बेटे के परिवार से एक युवा साथी को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, नाम है उसका कमर लगा। देश में कई जगहों पर उन्होंने अपने कार्यक्रम किए हैं, तब जाकर के उनको प्रदेश का दायित्व तो दिया गया। प्रदेश की गली मोहल्ले से लेकर के विधानसभा, वार्ड इकाई, तहसील, ब्लॉक सब में वो लगे हुए हैं। 3 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर पूरा प्रदेश में संगठन खड़ा कर देंगे। तब आप देखिएगा तहलका मचा हुआ। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जान को खतरा है, हमारी रैगिंग हो रही है, विपक्षी परेशान है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कई पार्टियां इस बात से परेशान है कि कहीं ये हमको लताड़ ना दे। आपको मालूम है जैसे जान का खतरा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, खुद आपको, आपने अभी तक इसकी शिकायत की प्रशासन? हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को पत्र लिख करके दे दिया है। प्रश्न इस बात का है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। मालूम है आपको क्यों हो रहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारी पार्टी ने जब से ये घोषणा की है कि लोकसभा की 80 लोकसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लोगों में बड़ा आक्रोश है कि आखिर इतनी जल्दी ये पार्टी खड़ी हो गई और लोग जुड़ते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बहुत नेता, पूर्व विधायक, और आपको एक चीज बता दूं, हमारी पार्टी में कई पूर्व आईएएस आईपीएस भी जुड़ चुके हैं। जब हम प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित करेंगे तो प्रदेश में एक धमाका होगा कि इतने योग्य योग्य प्रत्याशी नागरिक एकता पार्टी कहां से ले आए।
अभी आपने पत्र की बात की, राजनाथ सिंह को देने की बात की, प्रधानमंत्री को देने की बात की। हाल ही में एक अम्बेडकर नगर में घटना हुई है, प्रशासन से लेकर के DGP तक तमाम लोगों ने, वो भी एक बसपा के वरिष्ठ नेता थे, कद्दावर नेता माने जाते थे, क्षेत्र में बड़ी लोकप्रियता थी, उनकी हत्या हो जाती है, प्रशासन को सुरक्षा नहीं दे पाता है। ऐसे में आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर कैसे भरोसा कर लेंगे? देखिए, प्रश्न इस बात का है कि सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन जब स्थिति ये हो गई है कि पहले जब भाजपा की सरकार बनी थी तो पुलिस थानों में नहीं बैठती थी, सड़कों पर रहती थी। आज की तारीख में पुलिस थानों में बैठती है, सड़कों पर पुलिस दिखाई ही नहीं देती है। तो अगर माना जाए कि BJP की सरकार में कानून व्यवस्था फेल है, तो आप मान रहे हो? बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है।